गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 6, द सन एंड द वाइन, सूरज और हवा। वंस द वाइंड एंड द सन हैड एन आर्गुमेंट। आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, सेड द वाइंड। नो यू आर नॉट, सेड द सन। आइदर ऑफ देम क्लेम टू बी स्ट्रॉन्गर। At last they decided that who would prove oneself stronger would be stronger. Just then they saw a traveler wrapped in a blanket was passing by. The sun and the wind agreed that whoever could separate the traveler from his blanket would be stronger. The wind took the first turn. तो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हवा और सूरज। ठीक है, तो एक बार की बात है, जो हवा और सूरज के बीच में क्या होता है, आर्गुमेंट हो जाता है, मतलब बहस छिड़ जाती है कि हम में से कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो क्या होता है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, हवा बोलती है कि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तो जो सन बोलता है कि नहीं, तुम नहीं हो, और ऐसे ही दोनों क्लेम करने लग जाते हैं। ओके, कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है या स्ट्रॉन्गर है, दोनों डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं कि जो प्रूफ कर देगा कि जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या स्ट्रॉन्गर कहलाएगा। उसी समय वे देखते हैं दोनों कि एक कौन जा रहा है, ट्रैवलर जा रहा है उस रास्ते से, अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किया हुआ, ब्लैंकेट मतलब कंबल से। ओके, सो सन और वाइंड क्या करते हैं, किस बात पे सहमत होते हैं कि जो ट्रैवलर के ऊपर से उस कंबल को या उस ब्लैंकेट को हटा देगा वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा या स्ट्रॉन्गर होगा। तो क्या होता है कि सबसे पहली टर्न किसकी थी, वाइंड की, मतलब हवा की। द वाइंड स्टार्टेड ब्लोइंग विद ऑल हिज माइट, द ट्रैवलर होल्ड हिज ब्लैंकेट टाइटली। तो जो हवा है वो बहुत तेजी से बहने लग जाती है, चलने लग जाती है, तो जो ट्रैवलर है वो अपने ब्लैंकेट को जोर से पकड़ लेता है। ओके, द वाइंड ब्लेव स्टिल हार्ड, और ज़्यादा तेज बहने लग जाती है, जिससे कि वो अपना ब्लैंकेट को बहुत टाइट पकड़ लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब दोनों के बीच स्ट्रगल होने लग जाती है। स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द वाइंड टर्न वॉज ओवर। अब दोनों के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसमें क्या हो जाता है, जो वाइंड है वो हार जाती है। द वाइंड फील्ड, हार जाती है वाइंड। इट वॉज द सन्स टर्न, अब किसकी टर्न थी, सन की, मतलब सूरज की। द सन स्माइल्ड जेंटली, सन धीरे से स्माइल करता है। द ट्रैवलर फेल्ट वार्म ऑन द स्माइलिंग सन, अब धीरे धीरे जो सन स्माइल करता है जिससे कि ट्रैवलर को थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है, वार्म मतलब गर्म महसूस होने लग जाती है। धीरे धीरे वो अपने ब्लैंकेट को ओपन करने लग जाता है, कंबल को खोलने लग जाता है। द सन स्माइल ग्रे वार्मर एंड वार्मर, और वो धीरे धीरे अपने गर्मी को बढ़ाता है। नाउ द ट्रैवलर टुक द ब्लैंकेट ऑफ एंड टुक इट इन हिज हैंड। अब क्या होता है कि जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लग जाती है वो ब्लैंकेट को निकाल के अपनी हाथ में रख लेता है। ठीक है, तो हाथ में रख लेता है। एंड फाइनली द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रॉन्गर देन द वाइंड, और फाइनली ये डिक्लेयर होता है कि जो सन है वो वाइंड से स्ट्रॉन्गर है। ओके, तो आपको ये चैप्टर आई होप सो समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब इसकी आप वर्ड मीनिंग कर लेंगे। फर्स्ट है जेंटल, जेंटल का होता है काइंड। अचीवमेंट मतलब गेन। आर्गुमेंट, डिस्कशन इन विच टू और मोर पीपल डिसएग्री। स्ट्रगल, मेक स्ट्रॉन्ग एफर्ट। सो अब देख लेते हैं टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ये तो सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट टुक प्लेस बिटवीन, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, वे कौन थे? सन एंड वाइन. ओके, सन एंड वाइन थे. देन सेकेंड है द ट्रैवलर रैप्ड इन, जो ट्रैवलर है, जो राहगीर है, वो अपने आप को किससे वो किए थे, कवर किया था? शॉल से, बेडशीट से, ब्लैंकेट से या साड़ी से? किससे किया था? तो ब्लैंकेट से, बी वाला ऑप्शन है. ठीक है. द वाइंड रेव, जो वाइंड है वो कैसे बहती है? कूल, हॉट, हार्ड, सॉफ्ट? हार्ड मतलब बहुत हार्डली. फोर्थ द सन इज, जो सन है वो क्या करता है? जो सन है वो क्या है? वीकर है, स्ट्रोंगर है, लेजी है या क्लेवर है? तो क्या है? स्ट्रोंगर है मतलब शक्तिशाली है. अब बी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है आपके पास. फर्स्ट है आइदर ऑफ देम क्लेम टू बी, दोनों के बीच किसका क्लेम कर रहे थे? शक्तिशाली होने का, मतलब स्ट्रोंगर होने का. ओके, देन सेकेंड है द वाइंड ब्लैंक स्टिल हार्डर, वाइंड क्या होती? ब्लेव, ब्लेव ब्लेव मतलब बहना या चलना. थर्ड द ब्लैंक स्माइल जेंटली, कौन धीरे से स्माइल करता है या कोमलता से स्माइल करता है? सन. ओके, फिर फोर्थ द ब्लैंक इज स्ट्रोंगर देन द ब्लैंक, अब कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो द सन इज स्ट्रोंगर देन द वाइन, सन वाइन से ज़्यादा स्ट्रोंगर था. आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे. ओके, आप पहले कर लेंगे वर्ड मीनिंग, टिक द करेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.